अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पेज नंबर 47 पे रीडिंग करनी है। सबसे पहले है सीड्स, बीज। ब्रॉड बीन्स एंड पीस आर सीड्स दैट ग्रो इन पॉड्स। ब्रॉड बीन्स जो होते हैं, ब्रॉड बीन्स, बीन्स किसे कहते हैं? लोबिया जो होता है उसे कहते हैं बीन्स। ये आप लोग इस पिक में देखें, ये जो बहुत बड़े बड़े लोबिये के आप लोगों को लोबिया नज़र आ रहा है बड़ा बड़ा, ये क्या है? ये ब्रॉड बीन्स हैं। और इसके साथ ये जो मटर है, पीस जो हैं, ये सीड्स हैं। ऐसे सीड्स हैं ये जो ग्रो कहाँ पे करते हैं? पॉड्स में, मतलब फली की सूरत में ग्रो करते हैं। ये आप लोग देख रहे हो, ये पीस हैं। तो ये क्या है? ये फली है और इनके अंदर पीस हैं, इनके अंदर मटर हैं। तो हम कहेंगे कि ये ग्रो करते हैं पॉड्स में, मतलब फली के अंदर ग्रो करते हैं। ये लोबिया आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये भी फली के अंदर ग्रो करता है। इन पॉड्स अबव द ग्राउंड, ये ऐसे बीज हैं, ऐसे सीड्स हैं जो फली में ग्रो करते हैं, जैसे ब्रॉड बीन्स हैं और पीज हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है बल्ब्स। बल्ब्स क्या हैं? बल्ब्स अंडरग्राउंड राउंडेड स्टोरेज ऑर्गन है। सम कुछ प्लांट्स पौधे ग्रो बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं अंडरग्राउंड पार्ट्स, ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में, कॉल्ड बल्ब्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? बल्ब्स कहा जाता है। द अनियन इज अ बल्ब, अनियन प्याज क्या है? एक बल्ब है जो कहाँ पे ग्रो करता है? ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे ग्रो करता है। बल्ब क्या है? राउंडेड अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन। बल्ब एक राउंडेड गोल और अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर ग्रो करने वाला और अपने अंदर स्टोरेज रखने वाला ऑर्गन है। जैसे ये पिक में आप लोग देखें, ये ओनियन है जिसे हम प्याज कहते हैं। इसकी शक्ल कैसी है? एक बल्ब की तरह की शक्ल है, इसलिए हम कहते हैं कि ये बल्ब है और ये अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन है, ये ज़मीन के अंदर ग्रो करता है। उसके बाद है सीडलिंग्स। सीडलिंग्स क्या है? ऐसे यंग प्लांट्स जो कहाँ से ग्रो करते हैं? सीड से ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं सीडलिंग्स। यंग प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स आर कॉल्ड सीडलिंग्स। ऐसे यंग प्लांट्स जो कहाँ से ग्रो करते हैं? जो ग्रो करते हैं सीड से, बीज से ग्रो करते हैं। ऐसे यंग प्लांट्स जो सीड से ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं सीडलिंग्स। क्रेस एंड मस्टर्ड्स आर सीडलिंग। क्रेस क्या है? क्रेस किसे कहते हैं? मेथी। मेथी की सब्ज़ी आप लोगों ने खाई होगी, पता होगा आप लोगों को। वो कहाँ से ग्रो करती हैं? वो यंग प्लांट से ग्रो करते हैं। तो हम कहते हैं क्रेस मेथी को कहते हैं, और मस्टर्ड कहते हैं सरसों को। ये दोनों खाने वाली सब्ज़ियाँ हैं। क्रेस मेथी को कहते हैं, मस्टर्ड सरसों को कहते हैं। ये दोनों क्या है? सीडलिंग्स हैं। मतलब ये यंग प्लांट जो है वो कहाँ से ग्रो करते हैं? सीड से ग्रो करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। पौधे का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। ये डायग्राम आप लोग देख लें। सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप कोई बीज ज़मीन के अंदर बोते हैं, ज़मीन के अंदर लगाते हैं, कोई बीज ज़मीन के अंदर बोते हैं, तो वहाँ से सीड की जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। द सीड जर्मिनेट्स। सबसे पहले सीड जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है। उसके बाद जो सेकंड वाला स्टेप है, द प्लांट ग्रोज, उस सीड से फिर क्या होता है? पौधा निकलना शुरू हो जाता है। ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये प्लांट कहाँ से निकलना शुरू हुआ है? ये जो सीड आप लोगों ने लगाया है, इस सीड ने जब जर्मिनेशन स्टार्ट कर दी है, तो फिर जर्मिनेशन जब इसने स्टार्ट की है, तो इससे क्या होता है? प्लांट जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। थर्ड वाले स्टेप में क्या होता है? द प्लांट फ्लावर्स। प्लांट जो है वो
ग्रो करता जाता है, उसके लीव्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब उसके लीव्स निकलते हैं तो फिर क्या होता है, लीव्स निकलने के साथ साथ उसके फ्लावर्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। द प्लांट फ्लावर्स मतलब प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। उसके बाद फोर वाले स्टेप में क्या होता है, द फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट। और ये जो फ्लावर बने हैं थर्ड वाले स्टेप में, इन पे फ्रूट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, फल लगना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो फाइव वाला स्टेप है, द फ्रूट रिलीज सीड्स। जब फ्रूट मुकम्मल तौर पे पक जाते हैं तो उनके जो सीड्स हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। और जब वो गिर जाएंगे किसी और जगह पे सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो फिर दोबारा से पौधे का नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अ न्यू लाइफ साइकिल बिगन्स, पौधे का एक नया साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। द प्लांट स्टार्ट्स लाइफ एज अ सीड, पौधा जो है वो अपनी ज़िंदगी कहाँ से शुरू करता है, सीड से, बीज से। विच जर्मिनेट्स एंड ग्रोस इन टू अ प्लांट, जो जर्मिनेट करता है और ग्रो करके एक पूरा पौधा बना देता है। द फुली ग्रोन प्लांट प्रोड्यूसेस फ्लावर्स, जो मुकम्मल पौधा ग्रो हो जाता है तो फिर वो फ्लावर फूल बनाना शुरू कर देता है। द फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स, फ्लावर जो है वो, फूल जो है वो बीज पैदा करना शुरू कर देता है। इन अ फ्रूट, फ्रूट के अंदर, फल के अंदर, और सीड पोड, सीड पोड कहते हैं बीज के फंदे, मतलब ऐसा फ्रूट जिसमें बहुत सारे सीड्स हों, ऐसा फल जिसमें बहुत सारे बीज हों, उसे कहते हैं सीड पोड, दूसरे लफ्ज़ों में से कहते हैं बीज के फंदे। द सीड्स जर्मिनेट, सीड जर्मिनेट हो जाता है टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, एक नया पौधा बनाने के लिए। द सीड्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, सीड की जर्मिनेशन हो जाती है और एक वो पूरा का पूरा नया पौधा बना देता है, न्यू प्लांट्स बना देता है। ये हो गया लाइफ साइकिल प्लांट का। यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग करनी है पेज नंबर 47 पे। उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 48 पे। ये हम लोगों ने MCQs करने हैं आज। पीछे आप लोगों ने सारी रीडिंग पढ़ चुकी है, अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये कैसे करने हैं। वट डू फ्लावर्स ग्रो इन टू, फ्लावर ग्रो करके क्या बना देते हैं। पीछे हमने रीडिंग में पढ़ा था कि फूल जब बढ़ते हैं, फूल ग्रो करते हैं, तो वो बना देते हैं फ्रूट। फ्रूट को सर्कल कर लें आप लोग भी, साथ साथ करते जाएँ। विच ऑफ दीज आर रूट्स, इसमें से कौन सी हैं रूट्स, जिंजर, कैरेट्स, कैबेज, टोमेटो, तो इनमें से रूट्स किस में होती हैं, कौन सी रूट्स हैं, इनमें से रूट्स हैं कैरेट्स। वट डज आ सीड नीड टू ग्रो, सीड को ग्रो करने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, सिर्फ वाटर और सॉइल चाहिए होती है, पानी और मिट्टी चाहिए होता है, या मिट्टी और हवा चाहिए होती है, या गुड सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड एयर, या अकेला पानी। तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, सीड को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, अच्छी मिट्टी चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, सूरज की रोशनी चाहिए होती है, और हवा चाहिए होती है। तो आप सी वाले को सर्कल करें, गुड सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड एयर। Which of these has the largest seed? इनमें से कौन सा ऐसा फल है जिसके अंदर सीड जो है वो बहुत बड़ा होता है, मैंगो के अंदर, एप्पल के अंदर, ग्रेप के अंदर, या पीच के अंदर। एप्पल के अंदर भी आप लोगों को पता है छोटे छोटे बहुत सारे सीड्स होते हैं, ग्रेप्स के अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें पीच के अंदर भी एक ही सीड होता है लेकिन स्मॉल इन साइज होता है, तो मैंगो होता है जिसमें सबसे बड़ा बीज होता है, सबसे बड़ा सीड होता है। मैंगो पे को सर्कल कर ले। विच ऑफ दीज वेजिटेबल सीड्स रियली आर फ्रूट, इनमें से कौन सी ऐसी सब्जी है, कौन सी ऐसी सब्जी है जो फ्रूट भी है, जिसे हम फल भी कह सकते हैं, क्या टोमेटो है, पोटैटो, कैरेट, कॉलीफ्लावर, तो कौन सी ऐसी सब्जी है। पिछली रीडिंग में हमने पढ़ा था टोमेटो, टोमेटो को हम कहते हैं कि ये फ्रूट भी है। ये MCQs अच्छे से आप लोगों ने लर्न कर लेने हैं। अब डायरी राइट कर लें, पेज नंबर 47 रीडिंग प्लस MCQs लर्न, अच्छे से लर्न कीजिएगा, डायरी राइट कर लें।